आज हमारे घर में बन रही है साग है, जिसको हम मटरी भी बोलते हैं। तो उसके लिए ये लिया ये 1.5 किलो मैदा, उसमें डाला अजवाइन और उसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। देखो अब डाल रही है इसमें नमक, और अब मोइन के लिए डालेंगे इसमें घी, जिससे हमारे जो साग है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, खस्ता जैसी। मार्केट की खाई होंगी आप लोगों ने, है ना। और ये मेरी मम्मी बना रही है, देखो मम्मी बना रही है, टोपा ऊपर लगा के, ठंडी लग रही है इनको बहुत। हेलो बोल रही है मम्मी मेरी आप सब लोगों को, खा लो आके गरम सभी लोग आ जाओ, गरम गरम खा लो, बहुत टेस्टी बनती है ये। पानी ना ये गरम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा गुनगुना पानी है वो डालें, नहीं तो ठंडी का मौसम है ना, तो गरम। हाँ ये इसके लम्स बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ठंडा पानी, गरम पानी डालेंगे। मोइन इसमें कितना डालेंगे मम्मी, कैसे डालेंगे? लड्डू हाँ बनने लगे हैं। मोइन के लड्डू जैसे बनने लगेंगे, तो समझ जाए कि आपके जो मोइन है पूरे में अच्छे में मैदे में हो गया है। अब इसमें थोड़ा और डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। डो इसका टाइट ही रहेगा। गूंथ के रख दिया है, थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसकी लोइयां बनाएंगे, इसको बेलेंगे, कट करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। इनकी ना लोइयां बना के इनको बेल लेंगे, फिर इनको कट कर लेंगे। हम मम्मी दोनों लोग मिलके कर ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लड्डू भी बनाएंगे आज। ठंड में अच्छे लगा था लड्डू। आज हम लोग ना अपनी डावा वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, घर में ऐसे ही बोलते हैं ना, जब घर वाले मिल जाते हैं तो घर में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। जहाज जैसा दे दे। ठंड में जी बिलो नहीं रही है। हाँ बहुत ठंड है। जैसा दे वैसा दे। और क्या होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी सही है। और पतली करो। डाल जा पराई से बराई तो जगह है। लीजिए तुम खाओ। बहुत टाइट मिल रही है। हाँ बहुत टाइट मिल रही। ये तो तेरे चिकन है ना जो। अरे मारो कुछ। सही मारो फिर चिकन ना चलोगा। ये तो नहीं है। हाँ क्यों ना। देखो इस तरह बेल के ना ऐसे कट कर लें इनको। कट करेंगे तब बनाना, फिर इनको बस फ्राई कर लेंगे। और बस बहुत इजी सा है तरीका बनाने का, खाने में बहुत अच्छी लगती है, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। बच्चे का आवाज टाइम में नीचे से अभी नहीं खाते मेरे। अभी कहां खाते हैं? अभी अभी दोबारा खाते हो? अभी पहले कहां खाते हैं? अभी शुरू से ही नहीं खाई है। मन है अभी बॉबी को? मन अभी तो खाई है नहीं। मन है तो नहीं खाई है। दिवाली काटो। दिवाली हमने तो तुम्हारे लिए तुमने ले ऐसे जो बेल लेंगे। अब जाए ऐसे काट लिए काट लिए अपने मन के साथ चाहे जैसे काट लो। देखो ना लंबी। हाँ थोड़ी लंबी अच्छी लगती है जो। हाँ पतली और लंबी। हाँ जी लोग कभी आइए परसों है। नहीं तो आटा भूंज के रखती है लड्डू के लिए। सही है। देखो इकट्ठी पहले बेल ले रहे, काट लो सब, बाद में सेक रही है सब। हाँ थोड़ी बहुत 3-4 कट जाएंगे।
तीन चार कट जाए, फिर हम इधर गैस खोल दिए, सिकती रही है, इधर हम काटा धुल रही है, सेकत रही है, तब तक जी वो आ जाए। हाँ, चाय बना दी। हाँ, चाय बना दी इनके लिए। सर्दी बना के रख लो, सही रहती है। हाँ, ये दिन मेहनत ही तो है। उसका नाश्ता बनाए शाम को, खास तौर से शाम को पड़ जाता ना नाश्ता की। सुबह तो आजकल पराठे लाठे हो जाते हैं। मन हो तो वो मन नहीं होता ना आपको। इसे कहते हैं समोसा लेंगे जी। फोन करती है देखो, इसी तरह से हम सारी मट्टी बना लेते हैं। बच्चे सीख गई है ये। इतनी जी बन गई है, थोड़ी और बनाना बाकी है अभी, इतनी और सीखना है बस, बाकी सब सीख गई है। और यहाँ पर देखिए पूरी साके बनके तैयार हो गई हैं, इतनी सारी बनाई हैं। देखिए चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है ना। देखो ये दोनों बना के मैंने तैयार कर ली है। और अभी मुझे क्या करना है, ये मिर्च का अचार भी बनाना है। देखिए मिर्च को मैंने काट के रख दिया, मम्मी बनाएंगी मिर्च का अचार, बहुत अच्छा बनाती है, तो मम्मी से ही बनवाएंगे मिर्च का अचार। ये कटा हुआ रखा है, बाकी सब कुछ वही करेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे, अभी नहीं रखेंगे, अभी तो ये बहुत गर्म है, तो अभी इसको ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देते हैं। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी मिलती है आपसे, तब तक।